जहां पर श्री नारायण हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना में गड़बड़ी की शिकायत की गई। मामले में एक जांच टीम ने एक माह पहले अस्पताल प्रबंधन ने दस्तावेज मांगे थे, लेकिन अब तक दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। महासमुंद निवासी अरविंद पटेल को एक्सीडेंट में हेड इंजरी हुई थी, जिसका श्री नारायण हॉस्पिटल में एक माह तक इलाज आयुष्मान योजना के तहत किया गया, फिर निरस्त कर संजीवनी योजना के तहत किया गया। इस दौरान मरीज से 70,000 भी वसूले गए। पीड़ित की शिकायत पर संभाग आयुक्त ने जांच टीम गठित की, तो वहीं इस मामले में जिला चिकित्सा अधिकारी के आर सोनवानी ने बताया है कि लगभग 15 दिन पहले जांच के लिए नारायण अस्पताल प्रबंधन को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने किसी तरह का जवाब नहीं मिला। इस पर उनको आयुष्मान से जुड़े दस्तावेजों को जमा करने के लिए 3 दिन का समय दिया था, लेकिन एक माह बाद भी कोई भी जवाब नहीं आया है। हम इसकी जानकारी कलेक्टर को दे दी जाएगी और हमारे द्वारा उनकी अनुशंसा पर कार्रवाई की जाएगी। के जो खेमका है, सुनील खेमका, उनका फोन मेरे पास भी बार बार आ रहा है और मैं स्पष्ट उनसे बात करने से मैंने मना कर दिया है कि मैं इस संदर्भ में कोई भी बात नहीं करूंगी। तो सीधी सी बात है कि दूसरी तरफ से कान पकड़ने की कोशिश हो रही है और वो कहीं ना कहीं इसमें सफल होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास जो एविडेंस है, जो दस्तावेज है, पर्याप्त है उनके खिलाफ कोर्ट जाने के लिए और कोर्ट से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करने की। एक श्री नारायणा को हमने नोटिस देके बुलाया था, वो नहीं आए हैं और करीब करीब के 15 दिन हो गए नहीं आए हैं। इसके बारे में हमने कलेक्टर साहब को, जो हमारे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कलेक्टर है, उसको हमने लेटर बना के दे दिया।